बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव, कोलकाता के अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनवरी में हुई थी गांगुली की एंजियोप्लास्टी। मध्य प्रदेश में अफसरों की डीपीसी 3 दिन टली, 30 दिसंबर को होगी अगली बैठक। भोपाल के पुलिस कमिश्नर समेत 11 अफसरों को नए साल में मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश में छाए बादल और हुई बारिश, भोपाल समेत कई जिलों में सुबह से बरसात, 48 घंटे तक इसी तरह रहेगा मौसम। गांधी पर कमेंट करने वाले अफसर पर एफआईआर की मांग, सस्पेंड एएफओ के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी। पूर्व मंत्री बृजमोहन बोले, क्या यही है सहिष्णुता। और सड़क पर वाहन चोरी होने के बाद थाने में हुआ हंगामा, बीजेपी नेताओं से गुस्सा इंस्पेक्टर बोले, गाड़ियां मैं चोरी करवा रहा हूं क्या, अपराध तो होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ को सबकी श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बताया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन को गांव-गांव में खड़ा करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन का विस्तार किया जाएगा, साथ ही कोरोना को लेकर भी समीक्षा किए जाने की जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द बच्चों के टीकाकरण की रणनीति बनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, हम सबकी श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र, पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव में खड़ा करने वाले और हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के निर्माता, जिन्होंने पूरा नेतृत्व ही मध्य प्रदेश का तैयार किया था, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। श्रद्धेय ठाकरे जी संगठन के कुशल शिल्पी थे और उनका भाषण नहीं, आचरण बोलता था। जीवन भर उन्होंने पहले संघ और फिर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता के चरणों की सेवा की और आज हम जो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, उसका कारण श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के दिए हुए संस्कार हैं। जन्म शताब्दी वर्ष में भी, क्योंकि तय किया है संगठन वर्ष के, संगठन के विस्तार के लिए अनेकों कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वो हमारी प्रेरणा है। हमारे नेता स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की भी पुण्यतिथि है और जीवन भर परिश्रम पूर्वक और बहुत कुशलता से उन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार किया। भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि मना रही है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को ठाकरे के मार्ग पर चलने की सलाह दी। वहीं दिग्विजय सिंह के ही बयान पर सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज भी कसा और कहा कि वे अपनी उम्र के चलते नासमझ हो गए हैं। साथ ही पंचायत चुनाव पर सबका साथ सबके विकास को भी दोहराया और कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण पर प्रतिबद्ध है, इसलिए सबको न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अरुण जेटली जी की आज जन्म जयंती है। मैं श्रद्धेय ठाकरे जी को, आदरणीय पटवा जी को, आदरणीय अरुण जेटली जी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस प्रकार के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दिशा दी है, आज हम सब संकल्प लेकर के कि उनके दिखाए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी, आज की हमारा मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता उस दिशा में कार्य कर सके, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं।
ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हमने संगठन के पर्व के वर्ष के तौर पर लिया है। दिन प्रतिदिन लगातार हम संगठन कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में श्रद्धेय ठाकरे जी ने जो भूमिका निभाई, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाने का प्रयास कर रहा है कि जो एक पद्धति मध्य प्रदेश में विकसित हुई, एक आदर्श संगठन मध्य प्रदेश का बना और हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण आदरणीय ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय पटवा जी ने जो किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस द्वारा नारी मिशन पूर्ण शक्ति विशेष अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और महिलाओं के सहयोग से नशाबंदी, चोरी और आपराधिक घटनाओं पर लगाम और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला कमांडो सेवा भाव से काम करेंगी। इस अभियान के लिए गांव-गांव में पुलिस के द्वारा पुलिस सखी महिला कमांडो समूह को संगठित किया जा रहा है। जिले में छुरा ब्लॉक के ग्राम मडेली में भी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रशिक्षण से 10,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। महिला कमांडो की 25 टीम को सम्मानित करते हुए साड़ी भेंट की गई, तो वहीं युवाओं की टीम को क्रिकेट और वॉलीबॉल सामग्री भेंट करते हुए बुजुर्गों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। महिला कमांडो का जो काम होता है मुख्य उद्देश्य गांव में और अपने घरों में आसपास की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका दूर करना और अपने को सशक्त बनाना, नारी शक्ति को सशक्त बनाना महिला कमांडो का मुख्य उद्देश्य है। इसी दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आज ग्राम मंडली में छुरा ब्लॉक का महिला कमांडो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो निश्चित रूप से एक बेहद ही शक्तिशाली के रूप में उभर कर क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसे हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। सम्मानित जो कार्यक्रम हमने जो महिला मंडल जो मतलब जागरूकता करवाना और जो हमने एसपी द्वारा जो सम्मानित करके जो साड़ी है या जो ड्रेस है जैसे बेच है कुर्ती है वो कर लिए, आज हम महिला कमांडो के सम्मानित कार्यक्रम रखे रही। आगे क्या उद्देश्य है महिला कमांडो का? आगे का उद्देश्य हम लोगों का वो है कि हम लोग हमारे गरियाबंद जिला में अभी हम लोग मतलब कहे जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग महिलाओं को आगे ले जा सकते। रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बिगड़े बोल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पर मिर्ची बाबा ने कालीचरण महाराज को निशाना साधा और कहा कि जनता कालीचरण को संतों में ना गिने, संत गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते। संपूर्ण भारतवासियों को और 13 अखाड़ों के ओर से आज भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहता हूं। सनातन धर्म की बुनियाद हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने खड़ी की है और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है कि समाज में संत आयना है, आयना शीशा है। शीशा का अर्थ होता है जो कि तो दिखना, साफ दिखना, सुंदर दिखना। लेकिन भारत की पद्धति है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर आजाद ने सुभाष सिंह भगत ने और उधम सिंह ने यहां सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज के परिवेश में जो उग्रवादियों की भाषा बोल रहे हैं इस देश में वो महात्मा नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाड़ावारा तहसील है और उसके अंतर्गत साई खेड़ा विकास खंड में धान तुलाई केंद्रों पर बेमौसम बारिश से किसान काफी परेशान से नजर आए। धान केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लंबी कतारें देखी गई। केंद्रों पर अभी भी धान खुले में रखी हुई है जहां धान रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसान 3 से 4 दिन लगातार परेशान होते रहे, अपनी फसल के साथ केंद्रों पर मौजूद रहे, वहीं केंद्रों से व्यवस्थापक गायब रहे। परेशान किसान मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से सही दिशा में धान केंद्रों पर काम कराए जाने की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत साईखेड़ा विकास खंड में जो धान तुलाई केंद्र हो रही है, सास बहू जो समिति है धान तुलाई केंद्र, यहाँ पर हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब किसान भी खड़े हैं और मजदूर भी खड़े हैं जो धान तुलाई कर रहे हैं। अचानक यहाँ पर बारिश जो बूंदाबांदी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोलियाँ हैं वो रखी हुई है
प्रबंधक है जो यहाँ पर जो व्यवस्थापक उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि बिहार हाउस में ये बोरियाँ अंदर होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, किसानों की ट्रॉलियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों का यहाँ पर नुकसान होने का डर है। जब हमने उनसे पूछा कि अगर किसानों की अगर धान भीगती है तो आप उसको लेंगे, तो उन्होंने बताया कि हमने किसानों से बोल के रखा है कि अपनी अपनी ट्रॉलियाँ ढक लें अगर पानी तेज़ हो जाता है। कई यहाँ पर कई ट्रॉलियाँ ऐसी हैं जिन पे धान यानी जो बोरियाँ रहती है, जो पाल होता है पानी का, वो ढका नहीं है। निश्चित ही अगर तेज़ बारिश अगर होती है तो किसानों की धान यहाँ पर भीग जाएंगी। ये बनवारी है तो 3 दिन से आपकी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं जी। लगभग अभी कितनी ट्रॉलियाँ खड़ी होंगी? अभी लगभग 30 से 40 ट्रॉली खड़ी हुई है। 40 ट्रॉली से खड़ी हैं। 2 दिन से खड़ी है, पूरा माल बाहर रखा है। ये पानी हो रहा है, मौसम हो रहा है, ये सरकार जवाबदारी ले इसकी। और किसान परेशान है, हम लोग सब परेशान हो। आप बूंदाबांदी हो रही है, कई किसानों की खुली धान ट्रॉलियों में डली, अगर भीग जाएगी फिर क्या होगा? उसकी जवाबदारी प्रशासन ले। पानी का मौसम हो रहा है। और बताएं क्या और कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है, और ट्रांसपोर्ट वाले नहीं आ रहे, माल यहाँ से उठ नहीं रहा, माल नहीं उठ नहीं पा रहा है। अभी 2 दिन से तो यहाँ पे ट्रक भी नहीं आया, लोडिंग नहीं हुआ है, लोडिंग नहीं हुआ अभी तक। 60-50 किसानों के मौसम परिवर्तन है, बूंदाबांदी होने लगी है जी। तो पूरी 60-70 जो ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, भरी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, तो परेशानी तो हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी बहुत ज़्यादा है। परसों से आए हैं हम, शाम से परसों से आए, अभी तक तो लाई नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई। क्या बोलते हैं आपसे? हिम्मत लोग चले जाते हैं शाम को 5-7 बजे के बाद। हाँ, खड़ी रही। और आज मौसम विभाग ने भी बोला था कि आज मौसम पानी तो सभी ट्रॉली परसों से खड़ी है? नहीं, सभी नहीं। कितनी ट्रॉली खड़ी? कल लाई है कुछ। अच्छा, तो आपका मानना है कि अगर तुल जाती तो हमारा ये माल तुल जाता तो हम यहाँ खड़े नहीं रहते? हाँ, कल रात। और अगर पानी अगर गिर जाता है तो? पानी गिर जाता है तो समी पहले। हाँ जी, अचानक अभी से पानी स्टार्ट हो गया है थोड़ी बूंदाबांदी, तो ये अभी अंदर हो जाएगा माल। हाँ, और ये तिरपाल वगैरह की व्यवस्था अभी रखवा रहा है इसको। हाँ, अगर तेज गिर गया तो ये तो पूरा भीग जाएगा। नहीं, इसको अंदर हो जाएगा और अपन ये तिरपाल वगैरह ढक देंगे इसमें। किसानों की जो बाहर है जो ट्रॉलियाँ खड़ी हैं उनका, अगर उनका ट्रॉलियाँ, क्योंकि हम तिरपाल ढकने की बोल दी है, पानी बंद होने के बाद उनकी तल चालू हो जाएगी। जैसे उनकी जो ट्रॉलियाँ हैं जी, अगर वो भीग जाती हैं, उनका माल खराब हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा? नहीं, सभी व्यवस्था करें, तिरपाल वगैरह बंधवा दीजिए सबकी ट्रालियों में, ताकि पानी अंदर ना जाए। ऐसे ही मौसम। लेकिन कुछ ट्रॉलियाँ हैं उनमें तिरपाल अभी ढका भी नहीं है, खुली पड़ी हुई है। नहीं, बोल दिया है उनसे ढकने के लिए, और हमारे पास जो थी हमने उनको दे दिया है कि आप जब तक इनसे काम चला लीजिए आप खुलवा देगा। बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर में 17 महीने की लापता मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिस पर नेपा नगर में राम रहीम क्लब युवाओं के द्वारा स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर मासूम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मासूम बच्ची के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। क्लब सदस्य अफसर खान ने ये कहा कि इस घटना की कड़ी निंदा उन्होंने की और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद प्रदेश सचिव रविंद्र मसाने के साथ ही कई लोग मौजूद रहे। झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां वे मीडिया से भागते हुए नजर आए। अलीराजपुर न्यायालय ने 600 करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी सांसद के साथ ही अलीराजपुर के तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा, इसके साथ ही अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 17 जनवरी को पेशी का फरमान भी सुना दिया है। वहीं बाद में सांसद ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप लगे हैं वो बहुत गहरा षड्यंत्र है, ऐसा कोई भी घोटाला अलीराजपुर में हुआ ही नहीं। देखिए, जो आरोप लगे हैं वो बहुत गहरा षड्यंत्र है, ऐसा अलीराजपुर झाबुआ में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, और यह एक षड्यंत्र है और समय के साथ ये प्रमाणित होगा। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। हम भी इस मामले में न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे।
करने की मांग तो कोई कुछ भी कर सकता है, किसी के विरुद्ध अपन कुछ किसी को रोक नहीं सकते मांग करने पर, परंतु न्यायालय में जब हम जवाब देंगे तो विचार हमारा पक्ष सुन के ही वो कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश में फिलहाल अन्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिन्हें केवल कोवैक्सीन ही लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल का परिचय पत्र भी मान्य होगा। 1 जनवरी से बच्चे कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। भोपाल से ये खबर आप देख पा रहे हैं। कोरोना की समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली और जिस तरह से जरूरी बातें निकल कर आई हैं बैठक में क्या हुआ ये हम जानेंगे। उसके पहले जरूर बीच में ये बात हो चुकी है कि कोरोना की गाइडलाइन का हम सभी को पालन करना होगा, और एक और महत्वपूर्ण कि कुछ दिनों पहले ही नाइट कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया जो कि रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोरोना समीक्षा बैठक ले रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और क्या खास बातें रही वो हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप चलरेजा जी, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। प्रदीप जी, कोरोना की समीक्षा बैठक हो चुकी है, सीएम साहब ने क्या जरूरी जानकारियां दी हैं कुछ बातों के मद्देनजर, क्योंकि अब वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है बच्चों का और नाइट कर्फ्यू तो रहेगा ही, और जिस तरह से संक्रमण की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल, कल तक आपको बता दूं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है जी, फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ अगर नाइट कर्फ्यू के अगर तो रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू जो है लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, एक बात जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि समीक्षा कोरोना की समीक्षा बैठक ली गई थी, सीएम साहब ने तमाम जानकारियां दी होंगी और किस तरह से गाइडलाइन का पालन करवाया जाए ये भी निर्देश दिए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर में प्रतिबंध भले ही ना लगाए जाएंगे लेकिन मेले की गतिविधियां जरूर देखने को मिल रही है, तो क्या वहां पर कोरोना नहीं पहुंचेगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज सीएम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अधिकारी के साथ बैठक की है, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो जो गतिविधियां हैं वो तो सुचारू रूप से जारी रहेंगी, लेकिन जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है या कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है उसका जो है वो पूरी तरह से लागू रहेंगे। लगातार जो है ये देखा जाएगा कि जो जहां पर संक्रमण के जहां पर संक्रमण ज्यादा है वहां पर अधिकारी उसको फोकस पे रखें, लगातार जो है इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो वो उसके साथ साथ आसपास के 30 लोगों की भी जांचें की जाएंगी जी। लेकिन फिलहाल अगर ये देखा जाए कि मास्क और सैनिटाइजर की बात है तो लगातार मास्क पहनना की बात जो है वो लगातार उन्होंने कही है, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों से अपील की है। लेकिन ये देखा जाएगा कि जैसे आपने मेले की बात, वहां पर भी अभी फिलहाल जो समय देखा जाएगा इस समय कौन सा कहां पर वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, कहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सबसे ज्यादा पाई जा रही है, अब ये भोपाल कलेक्टर को ही सुनिश्चित करना है कि वो अनुमतियां देते हैं या नहीं, अगर वो देते भी हैं तो किस प्रकार से अनुमतियां दी जाएंगी ये कलेक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, और अपना ख्याल रखें। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह गुर्जर अशोकनगर आए थे, वहीं उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि शिवराज की 5 एकड़ जमीन 1000 एकड़ कैसे हो गई, इस बात का जवाब दें। वहीं उन्होंने अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह कांग्रेसियों पर FIR कराकर कायरतापूर्ण कार्य करते हैं। मुझे तो गर्व है कि कम से कम ऐसे कायर लोग
सामने खुद नहीं आते, दूसरों से रिपोर्टें करवाते हैं, आते और हमसे बात करते हैं। कौन कार व्यक्ति की बात कर रहे हैं? कायर है शिवराज सिंह चौहान, आते और हमारी बात का जवाब देते कि हमने ये कहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ये बताएं कि जो 5 एकड़ के किसान हुआ करते थे आज 1000 एकड़ के किसान कैसे हो गए। सीधी बात है, ना तो ना सरकारी नौकरी की, ना ठेकेदारी की, ना उनके बेटों ने ठेकेदारी की, फिर इतना पैसा संपत्ति आई कहाँ से। हाँ, दुर्भाग्य, मैं ये गलती मानता हूँ कि मैं चूंकि भिंड मुरैना का हूँ, हमारे यहाँ गाँव में ये एक चलन है कि गांव में इस तरह की भाषा का उपयोग कर लेते हैं, कि मैंने जो शब्द बोले थे उसके लिए खेद व्यक्त किया, पर आज भी जिला प्रशासन की सख्ती के बाद बलरामपुर जिले में 30 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त किया गया है। लाख प्रयासों के बाद भी बिचौलिया समिति में धान नहीं खपा पा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से धान लाकर समितियों में खपाने का प्रयास करते थे, जिसके बाद कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले के सभी बॉर्डर पर 13 चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां राजस्व और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य राज्यों से लाए गए लगभग 1300 क्विंटल धान को जब्त करने में सफलता हासिल हुई हुआ है, और टोटल जो जब्ती हुई है करीब 1200-1300 क्विंटल का हुआ है, जिसकी राशि 30 लाख रुपए के आसपास है। तो कार्रवाई अच्छी हुई है, लेकिन हमारी जो नज़र अभी भी बनी हुई है हर बॉर्डर पे, और किसी भी तरह का धान हम जो अवैध परिवहन है उसको नहीं होने देंगे। और इस कारण से किसानों में भी एक विश्वास बढ़ा है कि उनका धान समय पे लिया जाएगा और कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई परेशानी उनको नहीं होगी। कितना चेक पोस्ट लगाए गए होंगे सर पूरे? टोटल 14 चेक पोस्ट लगाए गए हैं, और अभी हम लोग छोटे छोटे रास्तों में भी करीब 3-4 चेक पोस्ट और लगाए हैं जो हमारी टीम गई थी। तो टोटल मिला के मुझे लगता है कि 15-16 चेक पोस्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे दिन रात निगरानी चल रही है, और उसी का परिणाम है कि अपने को इतने अच्छे रिजल्ट। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार खाद को लेकर बताया जा रहा है कि खाद की किल्लत कहीं नहीं है, इसके विपरीत किसान एक बार फिर खाद के लिए कतार में नजर आए। रतलाम जिले के ग्राम सुखेड़ा में यूरिया खाद को लेकर हजारों अन्नदाताओं को भारी परेशानी हुई। इसी बीच जबकि निजी दुकान पर खाद के कट्टे भरे हुए हैं और शासकीय गोदाम खाली पड़े हैं, वहीं एक आधार कार्ड पर प्रत्येक किसान को 2 कट्टे ही यूरिया वितरित किया जा रहा है, तो कुछ शासकीय सोसाइटियों से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। फिर मैं सुबह से लाइन में लगा था, 266 रुपए में एक बोरी मिल रही है और एक आधार कार्ड को 2 कट्टे मिल रहे हैं। करीबन कितने किसानों की भीड़ होगी यहाँ पे? कम से कम 300 किसानों की भीड़ होगी। अगर ज्यादा, अगर किसी के पास में 15 बीघे 10 बीघे अगर जगह होगी और उनको 2 ही कट्टे मिलेंगे, तो किसान कैसे पूर्ति करेगा? ये उनकी समस्या है, उनको पहले से इस चीज का इंतजाम करना था। मेरे को 2 कट्टे मिले हैं, मैं उनसे खुश हूँ। आधार कार्ड में 2 बोरी POS मशीन के द्वारा फिंगरप्रिंट लगा कर दी जा रही है। क्या कीमत है? 266। अगर एक ही परिवार के 10 आदमी या 5 आदमी आ जाते हैं अगर आधार लेके, तो क्या उनको दिया जाएगा इसे? इसका हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है ना। शासन की नियम के अनुसार कैसे क्या वितरण किया जा रहा है? शासन का नियम अनुसार अभी हमारे पास कोई नियम निर्देश नहीं है इस बारे में कि परिवार का लगता है या कौन लगता है। हमारे पास तो POS मशीन है, फिंगरप्रिंट पे 2 बोरी देना है। हाँ, देखा गया है यहाँ पे महिलाओं की भी भीड़ है, जेंट्स की भी भीड़ है। जी हाँ, तो इस पे क्या कैसे क्या है? महिला, 2 महिला 3 पुरुष। मध्य प्रदेश में एक साथ 4 नए वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मौसम अचानक बदल गया और एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया। MP मौसम विभाग ने 30 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिजली गिरने और चमकने के साथ ओले गिरने के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, चंबल और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 30 दिसंबर से कोहरा रहेगा, जिसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ठंड बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही मिजाज रहेंगे। छब्बीस तारीख को जो पश्चिम विक्षोभ आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसका प्रभाव कल रात से मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल और सागर डिवीजन में कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा हुई है और कहीं कहीं ओले की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, मगर और आगे अगले 24 घंटों में भी
पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है और विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा संभावना है कल के लिए। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी ऐसे ही गरज चमक की स्थिति बन सकती है और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। मशहूर गायक रफी के गीतों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन रविवार को शिवाजी नगर के दुष्यंत कुमार स्मृति संग्रहालय हॉल में किया गया, जहां विभिन्न सदाबहार गानों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। ये कार्यक्रम आमुरकिल द्वारा रफी के जन्मदिवस और आमुरकिल के संस्थापक स्वर्गीय सुरेश बैन के जन्मदिवस को लेकर किया गया था। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। सेहत की हर बात खबर भारत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारत पर। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा, कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ, अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत।